हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं। हम भी एकदम अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे इवनिंग का टाइम है और वेदर का क्या बोलूं। और यहाँ पे अभी मतलब काफी अच्छा वेदर है, काफी गर्मी हो रही है लिटरली। कल तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी अंदर, और आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्लाउडी क्लाउडी नहीं, मतलब मिक्स है आज, तो आज अच्छा लग रहा है। तो रूम के अंदर तो गर्मी होती है, तो विंडो थोड़ा सा ओपन करके रखते हैं तो अच्छा फील होता है। तो हमारे यहाँ पे जैसे काफी सारी ट्रीज है, तो जब हवा देती है तब मतलब घर अंदर आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, इतना ज्यादा अच्छा लगता है। टेरेस पे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही है, अभी तो वेदर ऐसा ही चल रहा है कुछ टाइम से, तो अभी तो जैसे यहाँ पे ऐसा है और ऐसा ही रहेगा अभी, क्योंकि बहुत ही जल्द समर भी स्टार्ट होने वाली है। और बच्चों का तो क्या है, स्कूल से आ गए हैं और आने के बाद सब अपने अपने स्नैक्स करके बस निकल गए, तो वो लोग भी खेलते, मैं वही देख रही थी अभी यहाँ पे, हम भी कुछ स्नैक्स कर लेते हैं। आज एक्चुअली मैंने लंच प्रॉपर वैसा कुछ हमने नहीं किया, इसलिए काफी ज्यादा भूख लग गई है। ब्रंच टाइप कर लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ हेवी स्नैक्स ही मैं बनाऊंगी। तो ये है स्नैक्स आज का, जो कि काफी हैवी है। जब हम ये छोला खाते हैं, ये सिर्फ यही खाते हैं, लेकिन आज मैंने ब्रेड भी लिया है, तो जबरदस्त भूख लगी है और काफी टाइम से मतलब खाया नहीं है। तो ठीक है, अभी मैं ये स्नैक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो कल वो स्नैक्स करने के बाद और कई सारे काम आ गए थे, कई सारे काम थे किचन में, तो वो सब करना था, फिर डिनर बनाना था, ये सब करते करते बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ किया मैंने और कंटिन्यू नहीं कर पाई, और इसलिए मैं और शूट भी नहीं कर पाई। तो मॉर्निंग से भी बहुत अच्छा, अभी धूप है। तो कल तो मैं जैसे बोल रही थी कि अभी जैसे वेदर ऐसा ही रहेगा, काफी धूप है, मतलब काफी ज्यादा गर्मी हो रही है घर के अंदर भी। तो उसके बाद ही मैंने देखा वेदर फोरकास्ट, तो देख रही हूँ कि बारिश, और कल से शायद बारिश स्टार्ट होगी यहाँ पे और नेक्स्ट वीक तक कंटिन्यू होगी। पता नहीं, वो अभी चेंज भी होता रहता है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये जो टाइम है, ये यहाँ पे तो सभी काफी एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ही यहाँ पे वैसा रहता है, विंटर और क्लाउडी ग्लूमी सा वेदर। तो जो भी है, और अभी मैं, मेरे पास एक कल पार्सल आया था तो मेरा खोलना नहीं हुआ। मैंने कुछ ऐसे फूड ग्रेड बॉक्सेस मैंने ऑर्डर किए थे, तो मैंने सोचा ठीक है अभी मैं इसको खोलती हूँ और आपसे भी थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। बॉक्स काफी बड़ा है, ये है बॉक्स, ये एक्चुअली प्लास्टिक कंटेनर्स है, लेकिन काफी अच्छे इसके रिव्यूज है और मुझे चाहिए भी थे, तो ये है बॉक्सेस। मुझे बस लगा शायद ये फटा हुआ है, लेकिन नहीं, ये डिजाइन है, मैं दिखाती हूँ। तो ये 9 बॉक्सेस है टोटल, डिफरेंट साइज के है। मैंने देखा है कि ये काफी हार्ड एंड स्टर्डी इसका रिव्यू है, तो ये मेनली मैंने स्टोरेज पर्पस के लिए लिया है। तो यहाँ पे है 3
बॉक्सेस, काफी अच्छा है, काफी सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। तो ये शायद सबसे बिगर साइज है इसका, हाँ ये सबसे बिगर है, ये काफी अच्छे हैं। हर एक के अंदर तीन तीन है। तो देखिए साइज भी डिफरेंट है, किसी के साथ किसी का साइज मैच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। तो अलग अलग चीजें सच में हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कोरिएंडर हो सकता है, फिर मिंट लीव्स, हम इसको क्लीन करके हम इस बॉक्सेस में आराम से रख सकते हैं। और इसका साइज और इसका साइज भी डिफरेंट है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। तो ये इनके साइज है। इसका जो सेट है ये काफी चौड़ा है, इसका विड्थ काफी ज्यादा है, और जो मैंने अभी देखा ये उससे कम है। तो ये तीन वैसा ही है सेट। और इसका देख ले, ओ ये यहाँ पे हर एक में डिजाइन्स है। तो ये भी ऑलमोस्ट इसी की तरह है, ये सेम है और ये भी शायद सेम है, ये दोनों सेम है। हाँ ये तीन सेम है, हाँ ये तीन सेम है। तो ये वाले सेट सेम है, ठीक है, मैं बाद में कवर लगा दूंगी। तो मुझे तो देखते ही बहुत अच्छा लग गया था, और रिव्यूज भी इसके सारे रिव्यूज अच्छे थे, और मतलब ये स्पेशली लिखा हुआ था कि काफी स्ट्रांग एंड स्टर्डी है, तो ऐसा ही चाहिए था। और ऐसे एयर टाइट बॉक्सेस में अगर लिड ठीक ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो टच फुड मैंने पहले भी जो सेट मैंने लिया था सबके लिड परफेक्ट है, और ये भी लिड मुझे लग रहा है कि एकदम मतलब ठीक है, एयर टाइट है। और एक चीज भी है, अगर किसी को कुछ बना के देना होता है तो मेरे पास प्रॉपर बॉक्स नहीं है तो मुश्किल हो जाती है उस टाइम पे। तो वो भी मेरे माइंड पे था कि अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो एकदम परफेक्ट है, आप मतलब आराम से आप यहाँ पे चीजें स्टोर कर सकते हो, किसी को अगर आप कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो आराम से, एयर टाइट भी है तो स्पिल होने के चांसेस नहीं है। तो मैं तो बहुत खुश हूं इस बाय से, बस इन सारी चीजों को धोना है, आज टाइम नहीं होगा क्योंकि आज दूसरा काम है, तो देखती हूँ कल करूंगी शायद। तो ये है माइक्रोवेव सेफ बीपीए फ्री। तो ये था। तो और एक चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ, वो मतलब हम रिसेंटली ही यहां से शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं इस घर से, मतलब इस जगह से नहीं, क्योंकि सच कहूं तो ये जो बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट है, हमें बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जो सोसाइटी है हमारा, इसी में ही हम शिफ्ट हो रहे हैं रिसेंटली। 2 BHK में हम शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे अभी हम 1 BHK में हैं तो 2 BHK में शिफ्ट हो रहे हैं। काफी टाइम से देखना वगैरह चल रहा था, मतलब हस्बैंड देख रहे थे, जब भी उनको कुछ कीज मिलती है तो वो देख के आते थे। तो बीच में जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उस टाइम पे बंद था हमारा सर्च। उसके बाद ठीक होने के बाद भी मैं गई थी, एक दो फ्लैट मैंने देखे, तो फाइनली पसंद आ गया है। तो बस अभी शिफ्ट होंगे बहुत ही जल्द, तो अभी तक हमें की नहीं मिला है, तो नेक्स्ट मंथ हमें मिल जाएगा, तो उस टाइम पे मैं दिखाऊंगी आपको घर कैसा है। तो बस अभी हम कुछ दिनों में ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो ये एक ऐसी चीज है, इतने छोटे छोटे चीज इधर उधर रहते हैं, लास्ट में बहुत हौचपौच हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके हम पैकिंग अभी स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए ऐसा भी एक फीलिंग है कि जब आप कहीं पे भी दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हो, चाहे वो सेम ही बिल्डिंग क्यों ना हो, एक अलग एक्साइटमेंट रहती है, अलग खुशी होती है। और तब मतलब ये जो चीजें हैं, जैसे मतलब एकदम सब कुछ अपने जगह पे रखना, एकदम सेट करके रखना, वो भी थोड़ा थोड़ा कम होता है, लगता है कि हाँ अभी तो शिफ्ट ही होंगे, सब कुछ पैकिंग करना ही है, तो ठीक है चलो थोड़ा सा रिलैक्स करके ही करते हैं। लेकिन पैकिंग एक बहुत ही हेक्टिक जॉब है, तो बस वही हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बिल्डिंग में है तो वो ज्यादा टेंशन नहीं है,
आराम से हम मतलब कुछ दिन लेके हम चीजों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस यही है अपडेट। और तो चलिए आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द मिलती हूँ। तो आप सब अपना ध्यान रखना, सेफ रहना और एकदम अच्छे से रहना। तो चलिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।